जब 2020 का दिसंबर चल रहा था तो हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 2021 के आने का, क्योंकि हम सब को लग रहा था कि 2021 आएगा और कोरोना जाएगा। मतलब ऐसा कि जैसे कोरोना की वैलिडिटी 1 जनवरी 2021 को समाप्त हो जाएगी, पर ना कोरोना गया और ना टेंशन। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस साल भी कोरोना ने लोगों की ऐसी की तैसी मारी। बच्चों ने टीचर्स को इस साल भी ऑनलाइन क्लासेस में जमकर परेशान किया, और फिर किसान आंदोलन को कैसे भूल सकते हैं। पर इन सब चीजों के बीच ये सवाल भी हर साल की तरह हमें कुछ रुलाकर तो कुछ हंसा कर गया है। तो चलो एक बार आज फिर से साल में हुए सबसे मजेदार हादसों को देखते हैं, और आप ये देखना कि आपको जो चीज इस साल सबसे ज्यादा मजेदार लगी थी उसने हमारी इस लिस्ट में नंबर बनाया है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो लाइन तो आपने सुनी होगी, लेडीज फर्स्ट। हाँ, तो फिर इन मोहतरमा से ही शुरू करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच अक्सर कई मौकों पर जितनी राइवलरी देखने को मिलती है, इस लड़की ने एक ही झटके में सब खत्म कर दी। जी हाँ, ये मोहतरमा पाकिस्तान के पेशावर की रहने वाली है। इनका नाम है दनानीर मुबीन। फरवरी की शुरुआत में सोशल मीडिया पर इन्होंने अपना वीडियो अपलोड किया था। ये वीडियो नथाई गली पहाड़ों का था, और वीडियो में ये कहती नजर आ रही है, अब इसमें है तो सब नॉर्मली, पर इन्होंने जिस अंदाज में पार्टी और पावरी बोला ना, बस फिर क्या था। इनके इस वीडियो ने इंटरनेट पर आग ही लगा दी थी। इनके सामने तो हमारी पू भी पानी कम नजर आती है। अब क्या पाकिस्तान और क्या इंडिया, सब के सब इनके दीवाने हो गए। मीमर से लेकर सेलिब्रिटीज तक, डॉक्टर से लेकर पॉलिटिशियंस तक, और यहाँ तक कि बॉर्डर पर खड़े सभी जवानों तक ने भी इसके मजे लिए और इसे रिक्रिएट किया। तो पावरी हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक जूम कॉल पर। जी हाँ, आप में से जूम कॉल के नाम से जिस ने श्वेता को याद किया तो बिल्कुल सही है। मतलब यार, अब मैं इस कॉल के बारे में क्या ही कहूँ। ये मार्च में ट्विटर पर ऐसी बाढ़ लेकर आई थी कि इसके बाद से हम सब ने अपने माइक और कैमरे को 2 बार चेक करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली ये एक लीक्ड कॉल थी जिसमें श्वेता अपने माइक को म्यूट करना भूल गई थी, और बस फिर इसने जो जो बोला ना, वो ना तो मैं आपको यहाँ बोलकर बता सकता हूँ, ना ही आपको फील आएगा। इस कॉल में से कुछ जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड्स थे वो कुछ इस प्रकार थे, जब मिलते थे तब करते थे। और ऐसा नहीं है कि जब से ये सब हो रहा है बाकी मजे ले रहे थे, वो बेचारे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, श्वेता माइक और है, श्वेता माइक बंद कर ले, श्वेता बहन एक बार माइक की तरफ देख ले, अरे कोई तो श्वेता को रोक ले। अजी, मगर श्वेता क्या सुनने वाली थी, वो तो फुल फील में पूरी प्राइवेट डिटेल्स बता रही थी। सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब वो बोली, अपने खुद की बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताई। तभी एक लड़का बोलता है, 111 लोगों को पता लग गई। चलो अब कॉल से आगे बढ़ते हैं और मीम्स देखते हैं। तो अब जब मीम्स की बात हो ही रही तो सबसे पहले तो अपने मुन्ना भैया, जलवा है हमारा, कोलीन भैया, हम बाहुबली हैं, अपने गुड्डू भैया, बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। इन शॉर्ट मिर्जापुर 2 ने जमकर बवाल मचाया था। फिर चाहे वो अपने चाचा का रिप्लाई हो या मुन्ना भैया का, वो अभी इमीडिएट नहीं सोचे हैं वाला मीम। और मीम की बरसात तो अपने मनोज भैया भी लाए थे, द फैमिली मैन के साथ। अब इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप बस देख और मजे लो। Tonight you will spend in jail. Remember श्रीकांत, don't be a minimum guy. जितना भड़केगा ये उतना भड़केगी। भड़वा, you giving me गाली in Hindi? और जब वेब सीरीज की बात हो रही है तो वायरल वीडियोस की बाढ़ तो एक और सीरीज लाई थी दोस्तों, उसका नाम था स्क्विड गेम। जी हाँ, इस वेब सीरीज ने हमें कंचे दोस्त और वो चीनी वाली खाने की चीजों को देखने का नजरिया बदल दिया, और फिर कुछ टाइम के लिए हर कोई सोशल मीडिया पर वो शुगर कैंडी को पिन से स्क्रैच करता नजर आया। सच में कभी कभी कुछ चीजें बचपन में लौटा देती है। खैर, बचपन से याद आया वायरल बच्चा, मतलब बच्चा तो वायरल हुआ पर अपने गाने की वजह से। और यार क्या गाना गाया, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। मतलब इस गाने ने अपने देश पर ऐसा जादू किया कि बादशाह ने इस गाने पर गाना बना दिया, और तो और मुख्यमंत्री जी ने तो इनके स्वागत भी फूलों से करवा दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं अपने बचपन के प्यार सहदेव दर्दों की। ये 14 साल का एक बच्चा है जिसका गाना वायरल हुआ तो इसे रियलिटी शो का जज भी बना दिया गया। वैसे रियलिटी शो का जज बनाने पर आपका क्या विचार है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, अब बचपन के प्यार से एक अच्छी खासी उम्र के डॉक्टर और उसकी बीवी के प्यार को देखते हैं।
ये हमारे डॉक्टर साहब थे जिनका नाम था डॉक्टर के अग्रवाल, जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और IMA के नेशनल प्रेसिडेंट थे। पर भाई आप भले ही दुनिया के लिए कुछ भी हो, बीवी के सामने आप उसके पति हो, डॉक्टर साहब ये भूल ही गए थे। और जब दुनिया को ये कोरोना की सलाह सोशल मीडिया पर लाइव आकर दे रहे थे, तो इन्होंने अपनी बीवी का फोन उठा लिया। अब आगे जो हुआ वो आप खुद ही देखिए। मंडे आपका सप्ताह, अरे मंडे लगेगा ना, मैं तो पता करने गया था। अच्छा मैं करता हूँ, पता करने गए थे, उसको सुबह भेजा था, वो कंफ्यूजन था। अच्छा मैं आके बात करता हूँ, मैं लाइव हूँ अभी। अच्छा ठीक है। हालांकि दोस्तों इस वीडियो के वायरल होने के कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो गई। वैसे डॉक्टर के साथ साथ इन मास्टर साहब की भी वीडियो एक बार देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर और टीचर ही वायरल हो रहे थे, आपको एक डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट यानी मेडिकल स्टूडेंट की वायरल वीडियो भी दिखाते हैं। ये वीडियो केरला के त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के कॉरिडोर में शूट की गई थी, जिसे लोगों ने जमकर पसंद भी किया था और इनकी तरह डांस करने की कोशिश भी पूरी की गई थी। वैसे आपने ट्राई किया था क्या? अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को एंड करने के लिए इससे अच्छा कुछ भी हो सकता था। ये वीडियो डॉक्टर मोनिका लैंगे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करी थी, जिसमें एक लड़की लव यू जिंदगी गाना सुन रही थी और साथ ही साथ गुनगुना भी रही थी। असली दिल इस वीडियो ने तब जीता जब लोगों ने इसका कैप्शन पढ़ा। इसमें लिखा था कि 30 साल की लड़की है जिसे ICU बेड नहीं मिला है और अब ये NIV सपोर्ट पर है। और इसने जब डॉक्टर को ये गाना सुनाने के लिए कहा तो मना नहीं कर पाई। पता नहीं आपको पता या नहीं, पर इसके कुछ दिन बाद इसकी जान चली गई और इस खबर ने सबको एक धक्का सा दे दिया। वैसे दोस्तों कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, आपको बता दूं, और अब तो ओमिक्रोन ने भी लोगों की जिंदगियों में दहशत मचाई हुई है। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि घर पर ही रहें और इसी तरह के वायरल वीडियोस और मीम्स को एंजॉय करते रहें और इनका हिस्सा भी बनते रहें। क्या पता एक दिन आपकी भी कोई वीडियो हमारी लिस्ट का हिस्सा बन जाए। वैसे आपके लिए इस साल का सबसे फनी इंसिडेंट कौन सा था, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।